ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज एवं राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज की पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित वाल्मीकि रामायण पर आधारित संगीतमय रामकथा के चौथे दिन कथाव्यास जगतगुरु स्वामी रामानुजाचार्य श्री राघवाचार्य जी महाराज ने कहा कि मन ही मनुष्यों के बंधन व मुक्ति का कारण है। मन को नियंत्रण करने के लिए ही भगवान की कथा सुननी चाहिए, क्योंकि कथा श्रवण से मन स्वयं निर्मल हो जाता है और निर्मल मन में ज्ञान का उदय होता है। इस प्रकार ज्ञान से भगवान में भक्ति और प्रबल हो जाती है। भगवान की कथा में ऐसा रस है जिससे कभी तृप्ति नहीं होती है। चाहे हम इस कथा को हजारों बार सुन लें, यही इसकी विशेषता है। यदि मन शुद्ध नहीं होता है, विषयों की आसक्ति नहीं छूट रही है, मन पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है, तो कथा श्रवण करना शुरू कर देना चाहिए। बार बार भगवान के चरित्र को सुनना चाहिए। रघुनंदन भगवान श्री राम की कथा मन को निर्मल बना देती है। इसके अतिरिक्त मन को निर्मल करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं है। महापुरुषों का चरण जहाँ पड़ता है वहाँ की भूमि पवित्र हो जाती है, इसलिए महापुरुषों को तीर्थ कर कहा जाता है। वे जहाँ चले जाएँ वहीं स्थान तीर्थ हो जाता है। जिनके घर पर संत महापुरुषों तथा महात्माओं का सम्मान न हो, वह घर शमशान के समान हो जाता है। बड़े भाग से संत का आगमन होता है। संत का सत्कार करने से हमारे अहंकार दूर होते हैं, हमारे मन में दयालुता के भाव पैदा होते हैं, मन स्वतः निर्मल हो जाता है। समाज में जब जब बड़ी से बड़ी समस्या उत्पन्न होती है तो कहीं ना कहीं उसका निराकरण करने के लिए संत महापुरुष ही आगे आते हैं। श्री राम कथा को विस्तार देते हुए कथाव्यास ने कहा कि जब राक्षसों ने महर्षि विश्वामित्र को यज्ञ नहीं करने दे रहे थे, तो महर्षि राक्षसों के आतंक से परेशान होकर प्रभु श्री राम को राक्षसों के अंत के लिए लेवाने जाते हैं। जब विश्वामित्र श्री राम के सम्मुख आते हैं तो राम के रूप में को देखकर इस प्रकार मोहित होते हैं कि स्वयं अपना शरीर भूल जाते हैं। उनका रोम रोम पुलकित हो जाता है, क्योंकि महर्षि को पता था कि राम के रूप में उन्होंने साक्षात भगवान के रूप का दर्शन कर लिया है और उनके जन्म जन्मांतर के तप के फलीभूति होने का यही क्षण है। इसलिए महर्षि के आनंद का ठिकाना नहीं रहता है। विश्वामित्र जी ने दशरथ से कहा कि मैं आपके पुत्र राम और लक्ष्मण को जानता हूँ कि ये कौन हैं, परंतु आप पिता होकर भी इनको नहीं जानते हैं। ये परम ब्रह्म परमात्मा है, इनका अवतार किसी विशेष प्रयोजन से हुआ है। इस प्रकार जब तक भक्ति मार्ग से ज्ञान नहीं होगा, भगवान को आसानी से पहचाना नहीं जा सकता है। संपूर्ण कथा श्री गोरक्षनाथ मंदिर के फेसबुक पेज एवं यूट्यूब चैनल व गोरखपुर न्यूज़ चैनल के माध्यम से सजीव प्रसारण हुआ तथा कथा सभागार में 80 श्रद्धालुओं की बैठने की व्यवस्था थी और सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए कथा का श्रवण किए। कथा का समापन आरती एवं प्रसाद वितरण के साथ हुआ।